हिंदू धर्म में कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जिसे शायद एक कॉमन मैन नहीं समझ सकता। आप तब तक हिंदू धर्म को नहीं समझ सकते जब तक उसके कई त्योहारों के वातावरण पर होने वाले प्रभाव पर रिसर्च नहीं करते। तो आज मैं दशहरा पर्व में होने वाली नवरात्रि के बारे में बात करने वाला हूँ, कितना महत्वपूर्ण है एक इंसान के लिए। आज अगर आप ये पूरा वीडियो देख लिया तो आप समझ जाओगे कि कितना महत्वपूर्ण है नवरात्रि करना। तो दोस्तों, मैं हूं विवेक, आप देख रहे हैं मिस्ट्री एजेक्शन। ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को साथ में दबा देना। नवरात्रि का महत्व सिर्फ धर्म, अध्यात्म और ज्योतिषी की दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी नवरात्रि का अपना महत्व है। दशहरा की नवरात्रि 9 दिनों की होती है जिसे सितंबर अक्टूबर के आश्विन महीने में मनाई जाती है। वैज्ञानिक आधार पर अगर कोई नवरात्रि करता है तो इससे इच्छा शक्ति, विल पावर, क्रिया शक्ति, पावर टू परफॉर्म राइट एक्शन, जाना शक्ति, नॉलेज ऑफ राइट एक्शन इनक्रेडिबली रूप से इंसान में बढ़ जाता है। और ये क्यों होता है यह भी बताऊंगा। जब कोई इंसान नवरात्रि करता है तो ये 9 दिनों का होता है और इंसान को नवरात्रि के नियम के अनुसार पूरी दिनचर्या बितानी पड़ती है। नवरात्रि पर्व के अनुसार 9 दिनों तक आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, डर, ईर्ष्या, द्वेष और पश्चाताप से बिल्कुल दूर रहना होगा जिससे शरीर रिफ्रेश हो जाती है। और अब मैं इन सब का प्रभाव आपको बताने वाला हूँ कि अगर कोई इन सब को 9 या 10 दिनों तक रोक लिया तो साइंटिफिक तौर पर क्या क्या बदलाव होंगे इंसान के ऊपर। लस्ट, काम। हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ की नॉर्मल मात्रा सही है, लेकिन कैसे कोई पता कर सकता है कि अब ये अधिक है। इसलिए इन सब तथ्यों को एक तरफ रखकर किसी चीज़ की ज़रूरत ही कम कर दो। जब कोई अत्यधिक लस्ट में रहता है तो उसके शरीर में जो भी विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो सब लस्ट पूरी करने के लिए सीमन की ओर भागते हैं, क्योंकि सीमन निर्माण में बहुत अच्छी क्वालिटी के विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन चाहिए और इसमें वक्त भी लगता है। लेकिन जब कोई इन सीमन को जल्दी जल्दी खत्म कर देता है तो सारे पोषक तत्व शरीर के अन्य भागों के हिस्से का भी सीमन बनने के लिए उपयोग हो जाता है, जिससे शरीर के अन्य भाग कमजोर और बेजान हो जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अधिक सीमन का खर्च करना कब शरीर पर दुष्प्रभाव देता है। लेकिन नवरात्रि में जब आप 10 दिनों तक इसे बचा कर रखते हैं तो पोषक तत्व सभी अंगों को सही मात्रा में मिलती है जिससे शरीर का सही बैलेंस बना रहता है। एंगर, क्रोध। क्रोध पूरी तरह से सामान्य, आम तौर पर स्वस्थ मानवीय भावना है, लेकिन जब यह नियंत्रण से बाहर हो जाता है और विनाशकारी हो जाता है तो समस्याएं पैदा कर सकता है। काम पर समस्याएं, आपके व्यक्तिगत संबंधों में और आपके जीवन के सभी कामों में। यहीं तक एंगर का दुष्प्रभाव नहीं है, यह बायोलॉजिकल स्तर पर भी शरीर के अन्य अंग और हार्मोन्स पर गलत इफेक्ट देता है। जब आप क्रोधित होते हैं तो आपके शरीर के मांसपेशियां तनावग्रस्त हो जाती है। आपके मस्तिष्क के अंदर कैटेकोलामाइंस के रूप में जाना जाने वाला न्यूरोट्रांसमीटर रसायन निकलता है, जिससे आपको कई मिनटों तक तेज चलने वाली ऊर्जा का अनुभव होता है, जिसे विज्ञान में एनर्जी बस्ट कहा जाता है। आपके शरीर इस ऊर्जा से कांपने लगती है। आपका शरीर हार्मोन्स की बाढ़ पैदा करता है जो आपके शरीर में मजबूत प्रतिक्रियाओं को उत्तेजित करता है। लेकिन जब आप थोड़े देर में शांत होते हैं तो आप पहले जैसे फील नहीं करते कुछ घंटों के लिए, क्योंकि जो एनर्जी स्टोरेज को बारी बारी से खर्च करना था वो एक ही झटके में शरीर बाहर निकाल दिया। इसका सिर्फ यही तक नहीं, जब हम गुस्से से अपने शरीर को थका देते हैं तब शरीर की इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगती है और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली का अर्थ है बीमार होने का अधिक जोखिम। तो निरंतर क्रोध आपको अधिक कमजोर और बीमार कर सकता है, इससे उच्च रक्तचाप, गैस्ट्राइटिस और माइग्रेन भी हो सकता है। तो इसलिए नवरात्रि में आपको इससे दूर रहना पड़ता है। लोभ, ग्रीड। अक्सर देखा गया है कि लालची व्यक्ति ही कहीं न कहीं एक का डबल करने में फंस जाते हैं, जैसे हेरा फेरी में राजपाल के साथ हुआ था। लोभ जितना दैनिक दिनचर्या में नुकसानदेह है उतना ही साइकोलॉजिकल स्तर पर है। बहुत बार लालच तनाव, थकावट, चिंता, अवसाद और निराशा के साथ आता है। यह देखा गया है कि अधिक लालच सीधे सेरोटोनिन में कमी लाती है, जो सेरोटोनिन हिस्टामाइन प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। सेरोटोनिन में असंतुलन इम्यून सिस्टम और एलर्जी की जटिलताओं को बढ़ाता है। लालच असंतोष की ओर ले जाता है। मस्तिष्क में लगातार बेचैनी होती है जो पैरा सिंपैथेटिक शाखा के योनि स्वर को कम करती है, जिससे शरीर की सेल्फ हीलिंग पावर की कमी हो जाती है। इसलिए लालच विशिष्ट रूप से अबनॉर्मल मेटाबॉलिक रोगों को बढ़ाता है, जैसे कि मधुमेह, महिलाओं में PCOS, हृदय रोग, एड्रेनाइल थकान और इसी तरह के कई रोग हैं। तो आज से ही आप लालच बंद कर दो। मोह, अटैचमेंट। मोह किसी को नहीं छोड़ा, पर कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस पर काबू पा लिया है। यदि आप भावनात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं तो लगाव,
विषाक्त हो सकता है। जितना ज्यादा आप मोह में होंगे उतना ही आपकी खुशी दूसरे के हाथ में होगी। और आज खुश रहने का कितना महत्व है आप जानते होंगे। डोपामाइन को अक्सर हैप्पी हार्मोन कहा जाता है। डोपामाइन जब शरीर में रिलीज होता है तो एक इंसान काफी अच्छा महसूस करता है। जब हम कुछ सुखद अनुभव करते हैं तो यह तेज हो जाता है। लेकिन इसके उलट शरीर में जब डोपामाइन हार्मोन कम रिलीज होता है तो यह पार्किंसंस, बेचैनी और अवसाद का कारण बन सकता है। डोपामाइन का लो स्तर आपको थका हुआ, मूडी और कई अन्य लक्षण महसूस करवा सकता है, जिससे इंसान अन्य रोगों के दलदल में फंसते चले जाते हैं। इसलिए नवरात्रि में इन सब से दूर रहने के लिए कहा गया है। ईगो, अहंकार। ह्यूमन बॉडी की जितनी भी इमोशंस है वो सब हार्मोन और केमिकल पर निर्भर है। लेकिन जब कोई हार्मोन्स की मात्रा घट या बढ़ जाती है तो उसका साइड इफेक्ट तो दिखता ही है। एक रिसर्च के अनुसार ईगो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से जुड़ा हुआ है। टेस्टोस्टेरोन लोगों को अधिक आत्म केंद्रित और कम सहयोगी बनाता है। जिसके शरीर के अंदर ज्यादा यह हार्मोन स्रावित होता है उसके अंदर ईगो भी कुछ ज्यादा पनपती है, जिससे वे अलग थलग महसूस कर सकते हैं, अवसाद का अनुभव कर सकते हैं, खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आपके अंदर अहंकार है तो आप मदद मांगने से इनकार कर देंगे। आप अपनी किसी भी कमजोरी को नहीं मानेंगे। विफलता किसी भी हालत में आपको बर्दाश्त नहीं होगी। अपनी गलतियां आप छुपाते होंगे। आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित होता है कि दूसरे क्या सोचते हैं। आप अपने दर्द को लोगों के सामने न करते हैं। ये सब अहंकार का पहचान है जो आपके लिए काफी नुकसानदेह है। इसे जल्द से जल्द छोड़ दें। फियर, डर। जिंदगी में डर होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये अलार्म का काम करता है। अमिगडाला शरीर के लिए खतरे की घंटी की तरह प्रतिक्रिया करता है। यह हाइपोथैलेमस को सचेत करता है जो आपको एड्रेनलिन एक्शन हार्मोन का एक विस्फोट देने के लिए एड्रेनल ग्रंथियों को एक संदेश भेजता है। और जब एड्रेनलिन का बस्ट शरीर में होता है तो दिल की धड़कनें काफी तेज हो जाती है, जिससे अंगों को ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व मिले और शरीर के मांसपेशियों में तनाव आ जाता है ताकि आने वाली संकट से बॉडी लड़ सके। इसलिए आप ज्यादा डर में असहज महसूस कर सकते हैं। लेकिन जब आप बार बार बिना किसी कारण के डरते हैं तो आपके शरीर में यही क्रिया बार बार होती है, जिससे पोषक तत्वों की कमी होने लगती है, जिसके कारण बॉडी कमजोर हो जाती है। इसलिए इसे कंट्रोल में रखना अति आवश्यक है। नफरत। नफरत किसी के लिए अच्छा नहीं है। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर है जो हाइपोथैलेमस में उत्पन्न होता है और मस्तिष्क के आधार पर पिट्यूटरी ग्रंथि में ले जाया जाता है। सरल शब्दों में प्यार नफरत है। ऑक्सीटोसिन वास्तव में दोनों का हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन द्वारा निभाई जाने वाली घटना उस चीज से जुड़ी होती है जिसे मनोवैज्ञानिक इन ग्रुप और आउट ग्रुप डिविजन कहते हैं, जिसे हमारा मस्तिष्क बनाता है। ऑक्सीटोसिन इन ग्रुप इंसानों के लिए लव हार्मोन के रूप में काम करता है और यही हार्मोन आउट ग्रुप इंसानों के लिए हैट हार्मोन के रूप में काम करता है। रिसर्च से पता चला है कि हैट मस्तिष्क में रसायन विज्ञान को बदल देती है क्योंकि यह प्रीमोटर कॉर्टेक्स को उत्तेजित करता है जो गति की योजना और निष्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। यह हमें नफरत महसूस करने पर आक्रामक तरीके से कार्य करने के लिए तैयार करता है, या तो खुद के बचाव के लिए या हमले के लिए, जिससे अन्य प्लेजर देने वाला हार्मोन्स की मात्रा बॉडी में कम पड़ जाएगी और यह पूरे दिन तक रिपीट होता जाएगा, जिसके कारण आपका मेंटल हेल्थ खराब हो सकता है। आपके अंदर जलन की भावना पैदा हो जाती है और आप फिजिकली समय से पहले कमजोर और बूढ़े लगने लगते हैं। गिल्टी, पश्चाताप। गिल्टी आपके शरीर में एक तनाव प्रतिक्रिया पैदा करता है जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है और आपको अनहेल्दी बनाता है। जब आप किसी को लेकर पछतावा करते हैं तो आपका शरीर कोर्टिसोल छोड़ता है जो एक तनाव हार्मोन है। कोर्टिसोल को फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स के फ्लाइट के लिए आपकी सहायता के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन जब आपको वास्तव में भागने की आवश्यकता नहीं होती है तो आपका शरीर कोर्टिसोल को तेजी से बाहर पंप करता है और यह आपके इंसुलिन को प्रभावित करता है, जिसके कारण वसा आपके आंतों में जमा होने लगता है और इससे हृदय रोग और स्तन का कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। जेलेसी, ईर्ष्या। मस्तिष्क की चोट और स्ट्रोक अध्ययनों से पता चला है कि ईर्ष्या वास्तव में आपके सिर में है, विशेष रूप से सेरेब्रल कॉर्टिक्स के बाएं हिस्से में। मस्तिष्क के कुछ क्षेत्रों का सक्रियण या अवरोध ईर्ष्या पैदा कर सकता है, जिसके कारण हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकती है। सहानुभूति तंत्रिका तंत्र ईर्ष्या के तनाव में झुक जाता है और हृदय को तेज करता है, रक्तचाप को बढ़ाता है। अगर लंबे समय के लिए ऐसे ही चलता रहा तो यह उच्च रक्तचाप और हृदय रोग का कारण बन सकता है। तो आपको पता हो गया कि नवरात्रि में इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए क्यों कहा गया है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करें।